आज हम एक बहुत ही पावन हमारे एक महाकाव्य जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो कि बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि एक हमारा एनर्जी का स्रोत है हमारी रामायण रामायण राम। आज हम इस महाकाव्य को इन हेडिंग्स के अंडर में स्टडी करेंगे कि राम क्या है रामायण क्या है। हमारा ये सबसे जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही एक प्राचीनतम महाकाव्य है जिसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था। लेकिन इसके बारे में एक दुखद बात यह है कि यह कब लिखा गया इसकी जो एग्जैक्ट डेट टाइम यह हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है वह हमारी एक अमूल्य धरोहर है जिससे न सिर्फ हम भारतीय ही बल्कि पूरा विश्व विश्व की सभी प्रजातियां सभी देश इससे बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। एक इंसान का जीवन कैसा हो इंसान का जीवन एक इंसान जब पैदा होता है इस दुनिया में तो अलग अलग पात्रों के अनुसार वह अपना जीवन व्यापन करता है। अब वह जीवन किस तरह से जिया जाए उसमें एक बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया जाए कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। आज का हमारा लेक्चर में हम रामायण के जो भी हमारे श्लोक हैं उनका गुणगान या उनकी व्याख्या नहीं करेंगे। आज के मॉडर्न कंसेप्ट में रामायण को किस तरह से अपने जीवन में उतारा जाए इसके पात्रों को कैसे जिया जाए समझा जाए कि आदि कवि वाल्मीकि वो क्या कहना चाहते हैं राम अपने चरित्र से क्या संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन हो तो कैसा हो। देखिए प्राचीनता यह बहुत ही प्राचीन काव्य है महाकाव्य है जिसे हम कह सकते हैं। इनके रचयिता थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है कई कहानियां हम सुनते आए हैं लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण या ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो ये साबित कर सके कि वाल्मीकि जी का जीवन कैसा था रामायण लिखने से पूर्व। एक बहुत ही फेमस कथा उनके बारे में प्रचलित है। लोगों का कहना है कि वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे बहुत ही क्रूर खूंखार डाकू और उनके जीवन में जो ये महान परिवर्तन आया कि रामायण जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की जिससे पूरा संसार फायदा उठा रहा है वो कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आया उनके जीवन में। वाल्मीकि जी डाकू थे दया नाम की चीज़ इनके मस्तिष्क में हृदय में थी ही नहीं। एक बार की बात है उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को जंगल में रोका और लूटा। उनमें से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि आप डाकू हो आपके परिवार वाले क्या आपके इस पाप कर्म में भागीदार हैं बराबर के जो आप ये पाप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो परिवार के लिए धनोपार्जन के लिए तो आप जो ये पाप कर रहे हो जो भी कार्य कर रहे हो अपने हिसाब से आपको सही लगता है लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा पाप कर्म है तो जिस परिवार के लिए आप यह कर्म कर रहे हो क्या वो भागीदार है इसके परिणाम आपके साथ सहने के लिए तैयार है। वाल्मीकि जी के मन में यह प्रश्न बैठ गया। उसी रात वह अपने घर गए और उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ ये मैटर डिस्कस किया और पूछा कि क्या आप भागीदार हैं। उन्होंने तत्काल तुरंत मना कर दिया कि नहीं पाप तुम करो भागीदार हम कैसे। इस उत्तर ने उन्हें हिलाकर रख दिया और यह उत्तर ही कहा जाता है उनके जीवन का जिसे कहते हैं हम एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वह बड़े दुखी हुए कि जिस परिवार के लिए मैं इतने जघन्य अपराध करता गया आज वो उसमें मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। वह ऋषि के पास गए उन्हीं ऋषियों के पास और बोले कि मैं कैसे अपना आगे का जीवन जीऊं कैसे पश्चाताप करूं बहुत पाप हुए मुझसे असीमित मात्रा में। ऋषियों ने बोला कि राम के शरण में जाओ। राम किसी मूर्ति में नहीं है किसी पुरुष में नहीं है किसी किताबों में नहीं है। राम एक एनर्जी है एक सकारात्मकता है। राम तो देखा जाए तो कण कण में है। तो वह बोले इस नाम के उच्चारण में ही इतनी एनर्जी है इतनी सकारात्मकता है तुम मन से ये नाम लो बस तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा और जीवन जीने का बल बुद्धि सहनशीलता
जो भी गुण चाहिए वह तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ राम नाम का उच्चारण मन से। वाल्मीकि जी बोले, मैं इतना पापी हूं कि मुझसे बुरे शब्द ही निकलते हैं, मेरे मुख से राम तो निकलेगा ही नहीं। तो बोले, कोशिश करो, ठीक है, बुरा निकालो, मरा निकालो, उल्टा बोल लो। मरा मरा बोलते बोलते स्वतः ही उनके मुख से राम निकलने लग गया। इससे यह संदेश जाता है कि मानव कितनी भी गलतियां करे, कितना भी बुरा हो, लेकिन राम नाम की सकारात्मकता अगर वह दिल से अपना ले तो सारे पाप, सारी बुराइयां धुल जाती है। वह एक नया जीवन शुरू कर सकता है और उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। इतना चमत्कार। कहते हैं चमत्कार का मतलब यह हम अंधविश्वास से नहीं जोड़ते हैं। मिराकल्स होते नहीं हैं, मिराकल्स महसूस किए जाते हैं। जिसने ये उच्चारण किया वही महसूस कर सकता है इस नाम की शक्ति, इस नाम की एनर्जी, इस नाम की सकारात्मकता। कहते हैं हमारे वातावरण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाइब्स होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। ये हम पर है, इट इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स, कि हम जैसा देंगे वैसा ही यूनिवर्स हमें लौटाता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, तो पॉजिटिविटी हमें मिलेगी। सेम इज़ द केस विथ नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो हम देते हैं वही लौट के आता है, एंड इट इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। आइए अब हजारी प्रसाद जी द्विवेदी और विंटर निट्स, इनका मानना है कि समय, सही समय हमारे पास नहीं है कि रामायण इतने महत्वपूर्ण महाकाव्य का की रचना कब की गई, लेकिन कहते हैं कि महाभारत में हमें वर्णन मिलता है रामायण के कुछ घटनाओं के, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। तो इट मींस हम ये मान सकते हैं कि महाभारत से पहले ही रामायण क्या की रचना की गई थी। मुख्य पात्र और इसकी मुख्य घटनाएं, जैसे कि हम सभी जानते हैं रामायण की मुख्य घटना थी रावण द्वारा सीता का हवन, सॉरी, रावण द्वारा सीता जी का हरण, और फिर राम और रावण का युद्ध, जिसे हम बुराई पे अच्छाई की विजय के रूप में आज भी मनाते हैं। इसमें कुछ पात्र हैं, कुछ बातें हैं जो हमें हमारे सामाजिक जीवन में उतार लेनी चाहिए और हमने उतारी भी है। राम का पात्र, मुख्य पात्र, सीता का पात्र, रावण का पात्र, हनुमान का पात्र, यह केवल पात्र ही नहीं है, इस तरह के लोग हमारे आसपास वास्तविकता में मौजूद हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा किया, जो परिणाम भुगते, हम उनसे सीख लेके हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को बहुत ही अच्छा और सुगम बना सकते हैं, सक्सेसफुल, मीनिंगफुल बना सकते हैं। बेटा कैसा हो, पति कैसा हो, राम जैसा। आज भी हमारे भारतीय समाज में औरतों को सीता से कंपेयर किया जाता है कि पुत्री हो या बहू हो तो सीता जैसी। सेवक का, भक्त का जहां जिक्र आता है वहां हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रावण भी पीछे नहीं है। रावण की एक बुराई थी कि सीता का हरण किया। रावण के बारे में अगर देखा जाए, उनका इतिहास देखा जाए, तो वह शिव जी के, महादेव के बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अंधभक्त थे, बहुत धार्मिक थे। रावण का चरित्र बहुत धार्मिक था। तीनों लोकों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन कहते हैं कि जब अहंकार, जितना ज्यादा इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है उतना ज्यादा अहंकार उसमें आ जाता है, लेकिन अहंकार का विनाश करने के लिए ईश्वर भी वैसा ही मार्ग पे उसे फिर चलाते हैं। निश्चय ही वह गलत होता है, लेकिन इंसान का अहंकार तभी टूटता है। रावण का भी अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इतना अहंकार बढ़ गया कि सही और गलत में वह फर्क करना भूल गया, और उसको सही शिक्षा दी सीता के इस घटना ने। और फिर राम जी ने जब लंका पर आक्रमण किया, रावण को हराया, तो उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे
मानव समाज में यह संदेश जाता है कि सफलता के साथ अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन इसके परिणाम भी हमें हमारी जो महाकाव्य हैं, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी इतने सेवक का, अच्छे भक्त का, जो फुली डिवोशनल होके जो अपने ईश्वर की सेवा करे, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे, समर्पण का, फुल डिवोशन का यदि कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो हम हनुमान जी का उसमें देते हैं। फिर आता है पारिवारिक, सामाजिक आदर्श और धार्मिक महत्व। रामायण का क्या धार्मिक महत्व है, समाज में क्या महत्व है और परिवार में क्या महत्व है? पारिवारिक आदर्श के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आज हम हमारे आसपास के लोगों में राम, रावण, सीता, ये सभी चरित्रों को जीवंत रूप में देखते हैं। जहाँ तक उस समय की धर्म या सामाजिक व्यवस्था की बात है, तो रामायण जब हम पढ़ते हैं तो उस काल की हमें, हमारे पुराने पूर्वजों के टाइम की हमें सामाजिक व्यवस्था का पता चलता है। रामायण का जो युग था वह कर्मकांड से भरपूर था। हम देखते हैं यज्ञ बहुत करते थे लोग, लोग धार्मिक बहुत थे, पाठ पूजा का, मूर्ति पूजा का चलन था, साथ में ही लोक निंदा का भय बहुत था लोगों को। लोक निंदा ही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी सीता जी को ऐसी स्थिति में, जबकि वो गर्भवती थी, वनवास का आदेश देना पड़ा। वह स्वयं देवता थे, वह स्वयं जानते थे कि सीता पवित्र है, लेकिन सिर्फ लोक निंदा की वजह से ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हर चीज में, रामायण के हर घटना में पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख छुपी है। बस उसे समझने की, उसकी गहराई में जाने की ही हमें जरूरत है। जैसे ही चारों भाई, एक घटना आती है कि जैसे ही चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जब गुरुकुल से शिक्षा लेकर राजमहल वापस आते हैं, राजमहल में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, उसी समय एक ऋषि आते हैं, ऋषि वशिष्ठ। राक्षसों के आतंक से त्रस्त होकर, दुखी होकर, वे राजा, अपने राजा दशरथ की शरण में आते हैं और बोलते हैं कि अपने पुत्रों को मैं, आपके पुत्रों को, राजकुमारों को मैं साथ ले जाने आया हूँ, राक्षसों के भय से, अत्याचारों से वे ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। उस वक्त धर्म संकट का समय होता है, इतने बरसों बाद अपने पुत्रों से मिलना और फिर अचानक इतने बड़े खतरे में उनको इस तरह से डाल देना। राजा होने के पश्चात भी यह मानव स्वभाव की एक कमजोरी हमें साफ दिखाई देती है कि राजा तो थे लेकिन एक बहुत ही प्रेम करने वाले, करुण, जिनका हृदय बहुत करुणा से भरा था, एक पिता भी थे और पिता का मन उस वक्त हावी हो गया एक राजा के मस्तिष्क पर और बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए यह फैसला लेना कि भेजा जाए या नहीं। लेकिन राम जी के समझाने पर, गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वह राजी हो गए और भारी मन से उन्होंने अपने पुत्रों को विदा कर दिया। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु वशिष्ठ को, ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से उन्होंने, उन चारों भाइयों ने ही, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने ही आजादी दिलाई। इससे हमें यह सीखने का, समझने का अवसर प्राप्त होता है कि पहले ये जो गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनि जहाँ वन में अपना आश्रम बना के रहा करते थे, वह उस समय इतने ज़्यादा फेमस थे कि स्वयं देवता और राक्षस इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह ऋषि मुनियों से भय रहता था उनको कि कहीं ये हमारा साम्राज्य ही ना ले ले हमसे। इसलिए राक्षस और देवता, खास तौर से राक्षस, आक्रमण करते थे ताकि उनकी जो शक्तियाँ, उनके जो पावर्स हैं ऋषि मुनि के, उनको कुचल सके। पुराने जमाने में अनुसंधान के, विज्ञान के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केंद्र हुआ करते थे हमारे ऋषि मुनि के आश्रम, तभी उन पर बार बार अटैक्स, आक्रमण हुआ करते थे राक्षसों के, देवता भी भयभीत रहते थे ऋषियों के श्राप से। इस चीज को हम अंधविश्वास से नहीं जोड़ते हैं, इस चीज को हम साइंटिफिकली, विज्ञान से जोड़ते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, हम टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं कि राम रावण का जो युद्ध होता है, चलिए मान लीजिए आज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय में भी अस्त्र शस्त्र, दैवीय अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, वह कोई चमत्कार नहीं होता था। उस समय भी हमारा विज्ञान बहुत उन्नत अवस्था में था।
यह विज्ञान का ही परिणाम था। आज भी हम देखते हैं कि यज्ञ होता है तो आसपास का वातावरण एकदम, जिसे कहते हैं, प्योर हो जाता है, इंसेक्ट फ्री हो जाता है, पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। यह सब पुराना चलन है जो हम आज वापस नए सिरे से अपना रहे हैं। रामायण कोई बहुत ही पुराने समय की बात तो है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कोई पिछड़ा हुआ समाज नहीं था उस समय का। बहुत ही अच्छी सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छे, जिसको कहते हैं, मिलिट्री पोजीशन हुआ करती थी। बहुत अच्छे किस्म के, उन्नत किस्म का विज्ञान था उस समय। अस्त्र शस्त्र थे हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र तंत्र हमारे पास हुआ करते थे। तो बहुत ही उन्नत समाज था उस समय। परिवार, समाज, आदर्श, धर्म। पहले धर्म का मतलब रामायण काल में माना जाता था सत्य एवं चरित्र। इंसान जितना चरित्रवान है, जितने अच्छे सद्गुण हैं, उतना ज्यादा वह भला मानुष माना जाता था। चरित्र ही धर्म है, चरित्र ही सब कुछ हुआ करता था। राम फेमस ही इसलिए हैं, उनको आदर्श पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। सभी सद्गुण जो एक आदर्श मानव में होने चाहिए। दूसरा, सत्य। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिरों में जाके कर्म कांड करना, पाठ पूजा करना धर्म नहीं हुआ करता था। पहले सत्य बोलना ही ईश्वर की पूजा, ईश्वर का धर्म, हमारा धर्म, इंसान का धर्म माना जाता था। तो इस तरह से अलग अलग हेडिंग्स के अंडर में हमने आज रामायण के बारे में, हमारा जो आदि महाकाव्य है, बहुत ही पवित्र महाकाव्य है, बहुत पुराना है, हमारी अमूल्य धरोहर है, उसको हमने आज के मॉडर्न कंसेप्ट में समझने की कोशिश करी, हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करी। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ, जो हमारे पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़े। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।